हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट सूजी की इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, चलिए एकदम परफेक्ट सॉफ्ट सूजी की इडली बनाते हैं। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल, और उसमें ऐड कर देना है 3 कप सूजी। तो गाइस, अगर आप कटोरी से लेते हो तो आप 3 कटोरी सूजी ले लेना। और गाइस, सूजी आप महीन मोटी कोई भी ले सकते हो। इसके बाद इसमें हमें ऐड कर देना है 1.5 कप दही। गाइस, अगर आपको सूजी को सॉफ्ट बनाना है ना, तो आप दही इसमें ज़रूर डालना। आप दही एक दिन पहले की भी ले सकते हो और फ्रेश भी ले सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। आप चाहो तो बेकिंग पाउडर की जगह इनो भी डाल सकते हो। इसके बाद गाइस, हमें इसमें ऐड कर देना है 2 कप पानी। तो बस गाइस, अब इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना, अब इसे अच्छे से बस हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना, हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा नहीं, बस हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इससे सूजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और अच्छे से खमीर आ जाएगा। तो गाइस, ये देखिए एकदम परफेक्ट खमीर आ चुका है। अब हमें ना इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर जब खमीर आता है ना, तो इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट रख करने के लिए इसको रख देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गाइस, इसमें हमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा इडली बनने के लिए बैटर रेडी है। और गाइस, ना सूजी का इडली बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही जल्दी सूजी की इडली रेडी कर सकते हो। बस गाइस, ये देखिए इतना पतला आपका बैटर होना चाहिए। अब इसके बाद हमें ले लेना है एक स्टैंड। तो मैंने यहाँ पे इडली स्टैंड ले लिया है। अब इसमें हमें डाल देना है 3 कप पानी। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं, तो आप भगोना भी ले सकते हो, और आप कटोरी में भी इडली बना सकते हो। अब गाइस, इडली की प्लेटों में ना हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम बैटर को ऐड करेंगे। ऑयल लगाने से ना गाइस, नीचे ये लगेगा भी नहीं, बहुत ही जल्दी अच्छे से निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए बैटर को हम तीनों में ऐड कर देते हैं। और इसको आपको ना पूरा फुल भी नहीं भरना है, क्योंकि इडली जब फूलेगी ना, तो एकदम ऊपर तक आ जाएगी, इसीलिए आपको पूरा नहीं भरना है। तो सभी में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो गाइस, ये देखिए मैंने तीनों में ऐड कर दिया है। अब चलिए इसको हम भाप द्वारा पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें ऐड कर देना है इडली प्लेटों को। इसके बाद गाइस, ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर हमको कुक कर लेना है। और गाइस, अगर आपको ये मेरी टेस्टी सूजी की इडली की रेसिपी पसंद आ रही हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए गाइस, 20 मिनट बाद एकदम परफेक्ट हमारी सूजी की इडली रेडी हो गई। आपको एक स्टिक डालकर देख लेना है, अगर स्टिक में ना लगी तो आपकी इडली रेडी है। अब इसको निकाल लेना है, और देखिए कितनी ज़्यादा फूल गई है, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और गाइस, अब आपको इसको निकालना कैसे है, बस इस तरीके से आपको एक स्पून लेना है और नीचे लगाना है, और इस तरीके से एकदम परफेक्ट इडली ये देखिए निकल गई है, बनी है ना बहुत ही सॉफ्ट। तो गाइस, जब भी आपका इडली खाने का मन करे ना, आप ये सूजी की इडली ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब गाइस, आपको इसको जिसके साथ खाना पसंद हो, सांभर या फिर नारियल की चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारी टेस्टी एंड सॉफ्ट इडली रेडी हो चुकी है। आप भी ये सूजी की इडली बनाना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।